साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया से तारामंडल पिकनिक पर जा रही स्कूल की बस पलटी, साइकिल सवार की हुई मौत, 6 स्कूली बच्चे हुए घायल। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, सभी बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया बाहर, बच्चों को भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। जनरल स्टोर के दुकान में अमरूद मंडी पर बिक रहा है खुलेआम गांजा। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, मामला आया है संज्ञान में, की जाएगी कार्रवाई, बाइट देने से किया इनकार। सीएम ने चयनित 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, भर्ती निकलते ही वसूली पर निकल पड़ते थे महाभारत के रिश्ते। दी सीख बोले, कार्य प्रगति ही आपको करती है पुरस्कृत, बिना योग्यता के पुरस्कार पाने वाले बनते हैं हंसी के पात्र। यूपी के बारे में बदली है लोगों की धारणा। थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर भू माफिया जवाहर यादव की 85 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई, एसपी सिटी ने दी जानकारी। धोखाधड़ी द्वारा आपराधिक न्यास भंग व जान से मारने की धमकी देने वाले दो शातिर अभियुक्तों प्रेमनाथ व राजकुमार निषाद के ऊपर बेलघर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। कोरी बलिदान दिवस की याद में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में होने वाले देश के 750 ड्रोनों के सबसे बड़े ड्रोन शो के मद्देनजर नौकायन से पैडले गंज तक रहेगा रूट डायवर्ट, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों सौरभ सिंह एवं अभिलाष उर्फ रीशु यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। लूट और डकैती करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों मनोज चौहान, मनोज साहनी, सुनील उर्फ बहादुर चौहान, सोनू मिश्रा उर्फ विनोद उर्फ अजीत मिश्रा, वीरेंद्र कसौधन और विकास पाचक उर्फ दीपू के ऊपर चिलवाताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, सीओ कैंपियरगंज ने दी जानकारी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से जिला कारागार गोरखपुर तक निकाली गई बाइक रैली। कहा, काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की खातिर सब कुछ खुशी खुशी किया निशावर, देश के हर नौजवान को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। मिश्रित कच्ची शराब के साथ दबिश के दौरान राजघाट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों राम केवल, ओमकार निषाद और बुद्धिराम निषाद को किया गिरफ्तार। 450 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम नौशादर, 1 स्कूटी किया बरामद, एसपी सिटी ने दी जानकारी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत चित्रकला एवं रंगोली महोत्सव का हुआ आयोजन। 1911 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग, सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ होगा महोत्सव का समापन।